गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, आज आइए फिर से एक जीके ट्रिक के बारे में जानते हैं। हालांकि मेरी जीके उतनी मजबूत नहीं है, है ना, फिर भी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आती हैं, और ऐसे जनरली भी आपको पढ़ना ही है। तो चलिए आज जानते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में वो कौन सी चीज़ है, वो है आपका कि भारत में आप जानते हैं अंग्रेज़ों का बहुत एक लंबे समय तक जो है वो शासन काल रहा है, है ना। आप जानते हैं कि 1757 में जो है पलासी की लड़ाई, बंगाल में जो पलासी का मैदान है वहाँ पर सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ाई हुई थी। उसमें क्लाइव की छोटी सी सेना, ठीक है, और सिराजुद्दौला की एक बड़ी सेना, लेकिन उसके ही अपने आदमियों ने उनको धोखा दिया था और वह लड़ाई वो लोग जीत गए थे। तो ये एक धोखा था, लड़ाई युद्ध जीतने का नहीं था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लाइव से, और जितने भी मुख्य रूप से गवर्नर या फिर वायसराय या फिर भारत के गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल कोई भी है, उसको सिलसिलेवार ढंग से, मतलब क्रम से, कालानुक्रम से हम लोग उसको जानते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कभी कभी कई बार जो है कालानुक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछता है कि उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आया है। तो चलिए एक मैं ट्रिक आपको देता हूँ जो कि मैंने उसमें याद किया था कई साल पहले, वो आज भी मुझे याद है क्योंकि ट्रिक के माध्यम से मैंने उसको याद किया था। तो चलिए पहले ट्रिक को लिख देता हूँ, फिर मैं गवर्नर्स के नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नोट करें, कलवे कलवे कार्टी वारे, ठीक है, कलवे कलवे कार्टी वारे कांजान वेलकान, कांजान वेलकान, इसके बाद हस्ती बंटी हौजी के लीरी, ठीक है, उसके बाद जो डफले है, डफले कर्ज में हार चेरी, इसने कर्ज में हार चुरा लिया, ठीक है, डफले कर्ज में हार चेरी इरवेलेन व माउंट राज, ठीक है, कलवे कलवे कार्टी वारे कांजान वेलकान हस्ती बंटी हौजी के लीरी डफले कर्ज में हार चेरी इरवेलेन वे माउंट राज, ठीक है। तो ये है ट्रिक। आइए अब इन गवर्नर्स के नाम हम लोग लिखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए, कलवे कल से हो गया क्लाइव, यह आया था 1757 में, यही था, ठीक है। इसके बाद फिर जो है वो है वेंसिटार्ट, उसके बाद फिर क्लाइव आता है, इसका दो कार्यकाल होता है, फिर क्लाइव आया, इसके बाद वैसे है वेरेलिस्ट, उसके बाद वेरेलिस्ट आता है, मैं मुख्य गवर्नर्स के नाम लिखा रहा हूँ, फिर आता है कार्टियर, ठीक है, उसके बाद फिर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, यही था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इसके बाद आता है कान जो है वो है कार्नवालिस, कार्नवालिस, इसके बाद जान है, ये है जॉन शोर, ठीक है, फिर है वेल वेलेजली, ठीक है, उसके बाद फिर है कान, तो ये फिर हो गया कार्नवालिस, हस्ती से हो गया हेस्टिंग्स। देखिए यहां दो नाम है, एक है वॉरेन हेस्टिंग्स और दूसरा यहां हेस्टिंग्स। उसके बाद बंटी आता है, मतलब ये हो गया विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है, उसके बाद हौजी आता है, ये हो गया डलहौजी,
डलहौजी, ठीक है, कैनिंग हो गया, ठीक है, कैनिंग, ठीक है। उसके बाद ली से हो गया लिटन, और री से हो गया रीपन, डफले इससे हो गया डफरेन। ये डफरेन वही डफरेन है जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। डफरेन हो गया, इसके बाद है लैंसडाउन, फिर कर्जन है, ये वही कर्जन है जब 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था और बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, ठीक है। मिंटो हो गया, उसके बाद हार्ड जो है वो हार्डिंग है, और चेस हो गया चेम्सफोर्ड, री से हो गया रीडिंग, ठीक है, री से जो है फिर वो रीडिंग हो गया, और ईर से हो गया इरविन, और वे से हो गया वेलिंगटन, फिर लिन से हो गया लिन लिथगो, और वै से हो गया वैवेल, और माउंट से हो गया माउंट बैटन, और राज से हो गया राजगोपालाचारी। तो इस तरह से कलवे कलवे कार्टिवारे कांजान वेल कान हस्ती वंटी हौजी के लेरी डफले कर्ज में हार चेरी इरवेलिन वे माउंट राज। इस तरह क्लाइव से लेकर के जो राजगोपालाचारी तक है वो गवर्नर बोलिए या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बोलिए, भारत का गवर्नर जनरल बोलिए, वायसराय बोलिए, ठीक है, जो भी है वो सारा लेकर के। तो इस तरह से एक सीरियली मतलब कि क्रम से आप जान जाएंगे इसके माध्यम से, और आपको एग्ज़ाम में यदि आता है, परीक्षा में यदि आता है, तो उसको आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो बच्चों यह ट्रिक आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगा तो शेयर करें, ठीक है दोस्त। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए कोई नए टॉपिक के साथ, फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।